संगमनी सूना चिकितुषी प्रथमा यीया दवा व्यदध पुत्रा भूरी स्थात्र भूय विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा विक्रम संवाद विक्रमादित्य उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार अक्षय गाथा भारत भूमि देवी देवताओं की भूमि है यहां अद्वितीय देवालय हैं, अद्भुत दिव्य स्थान हैं, अलौकिक दर्शनीय स्थल हैं भारत भूमि के नगरों का भी स्वर्णिम काल रहा है प्राचीन नगर पौराणिक गाथाओं और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के साक्षी हैं यहां पर विज्ञान और विश्वास का समागम होता है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत भूमि पौराणिक नगरों का भंडार है उसी भंडार की स्वर्ण प्रभा उज्जैनी नगरी है उज्जैनी की महिमा अपरंपार है यह पुण्य है यह पाप नाशिनी है यह पृथ्वी लोक के अधिष्ठाता भगवान महाकाल द्वारा अधिष्ठित नगरी है पावन शिप्रा के तट पर अवस्थित यह पुराण प्रसिद्ध नगरी हजारों वर्षों से विश्व की सभ्यताओं के आकर्षण का केंद्र रही है सभ्यता और संस्कृति की अनेक धाराओं का संगम उज्जैनी में है यह पृथ्वी का केंद्र स्थल है यहां से एक ओर पूर्व से पश्चिम जाने वाली कर्क रेखा तो उत्तर में सुमेरु से लंका तक जाने वाली शून्य रेखा गुजरती थी इसलिए पुराणों में उज्जैनी को शरीर के आठ चक्रों में से मध्य चक्र मणिपुर में अवस्थित बताया गया है सूर्य सिद्धांत सिद्धांत शिरोमणि तथा पंच सिद्धांतिका ज्योतिष के तीनों प्रसिद्ध ग्रंथों में भी उज्जैनी को पृथ्वी के नाभि स्थल पर अवस्थित बताया गया है प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार जब उत्तर ध्रुव की स्थिति पर 21 मार्च से प्रायः 6 मास का दिन होने लगता है तब छह मास के तीन माह होने के पश्चात सूर्य दक्षिण क्षितिज से बहुत दूर हो जाता है उस समय सूर्य ठीक उज्जैन के मस्तक पर होता है उज्जैन का अक्षांश व सूर्य की परम क्रांति दोनों ही चौबीस अक्षांश पर मानी गई सूर्य के ठीक नीचे की स्थिति उज्जैनी के अलावा संसार के किसी नगर की नहीं रही सूर्य सिद्धांत के अनुवादक प्रसिद्ध विद्वान ई बर्जेस ने लिखा है कि उज्जैन नगरी की स्थिति ने इसको विश्व के प्रमुख रेखांश पर अवस्थित बताया है जो गौरव आज ग्रीनविच को मिला है वही गौरव प्राचीन काल में उज्जैनी को प्राप्त था भारतीय सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की गणना आज भी उज्जैन मध्यरात्रि के आधार पर की जाती है बर्जेस ने लिखा है कि उज्जैनी समृद्ध मालवा प्रांत की राजधानी रहा है तथा अत्यंत प्राचीन समय से भारतीय साहित्य विज्ञान और कलाओं का केंद्र रहा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अत्यंत स्प्रिहा और स्नेहल वाणी के साथ अपनी एक कविता में उज्जैन का स्मरण किया है दूर बहुत दूर स्वप्नलोक में उज्जैनी पुरी में खोजने गया था कभी शिप्रा नदी के पार महाकवि कालिदास ने अत्यंत रमणीय शब्दों में भगवान महाकाल और इस सुंदर नगरी का वर्णन किया है मेघदूत में वे अपने मेघ को निर्देश देते हैं कि यद्यपि तुम्हारा मार्ग वक्र होने से कुछ लंबा हो जाएगा किंतु उज्जैनी नगरी का अवलोकन अवश्य करना उज्जैनी नगरी को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में अवस्थित पुण्यात्मा जन पृथ्वी पर स्वर्ग के ही एक दीप्तिमान खंड लेकर आ गए हूं उज्जैन का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है अग्निपुराण के अनुसार उज्जैन मोक्षदायी है यहां देवताओं का वास है मान्यता है कि उज्जैनी ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जो तीर्थों के तीर्थ से सुशोभित है महाकालेश्वर यहां विराजमान है ऐसी भी मान्यता है कि महाप्रलय के बाद मानव सृष्टि का आरंभ इसी पावन भूभाग से हुआ है महाकाल तीर्थ क्षेत्र की महानता तीर्थ और काशी से भी अधिक मानी गई है सर्वाधिक पुण्यम भूमि अद्भुत पाप नाशी, अलौकिक शांति और मनोवांचित फल देने वाला पृथ्वी में दूसरा कोई स्थान नहीं है महाकाल की इस नगरी का महत्व इसलिए भी है कि यहां पर पांच वस्तु शमशान उखर क्षेत्र हरसिद्ध पीठ तथा वन एक ही स्थान पर है जो अन्यत्र दुर्लभ है सनातन धर्म में चार प्रमुख धाम चार दिशाओं में स्थित होना वर्णित है उत्तर में बद्रीनाथ पूर्व में जगन्नाथपुरी दक्षिण में रामेश्वर व पश्चिम में द्वारकापुरी है किंतु इन सब तीर्थ में उज्जैनी प्रमुख माना गया है इसे महातीर्थ भी कहा जाता है यह भारतवर्ष के मध्य अर्थात नाभि स्थान पर स्थित है भारत में तीर्थ यात्रा का प्रारंभ तथा समाप्ति उज्जैन के महातीर्थ से ही होती है इस नाभिदेश का स्वामी महाकालेश्वर को बताया गया है मानव सभ्यता के प्रारंभ से पुण्य सलील क्षिप्रा के दाहिने तट पर बसे इस नगर को भारत की मोक्षदायक सप्तपुरियों में से एक माना गया है कहा जाता है कि उज्जैनी का प्रत्येक कंकर शंकर का ही स्वरूप है भारत के सर्वज्ञात द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महालोकेश भगवान महाकालेश्वर तो यहां अनंत काल से विराजित हैं ही स्कंद पुराण के अवंती खंड में यह विवरण दिया गया है कि यहां पर चौरासी महादेव चौसठ योगिनी आठ भैरव एकादश रुद्र द्वादश आदित्य छह विनायक चौबीस देवियां दस विष्णु तथा नारायण विराजमान हैं हिन्दू धर्म के तीनों प्रमुख संप्रदाय अर्थात शैव वैष्णव तथा शाक्तों के अतिरिक्त यह नगरी जैन तथा बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र रही है इसी प्रकार शिप्रा नदी का महत्व भी पवित्र गंगा नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के सदृश बताया गया है यह नदी चंद्रमा से उत्पन्न होने के कारण अमृत से भरपूर है और इसलिए सोमवती भी कहलाती है उज्जैनी का गौरव द्वापर और त्रेता में भी विद्यमान रहा है माना तो यह भी जाता है कि उज्जैन में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है श्री रामायण के किसकिधा कांड में भी श्री सीता देवी के अन्वेषणार्थ वानर दल को रवाना करते समय सुग्रीव ने अवंती देश का उल्लेख किया है भगवान राम ने स्वयं उज्जैन में अपने पिता का तर्पण किया था और इसलिए वह स्थान जहां अनुष्ठान हुआ रामघाट कहा गया सिंहस्त में शाही स्नान रामघाट पर होता है नालंदा और काशी के पूर्व उज्जैनी की शैक्षणिक महत्ता थी इसलिए बलराम और कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ उज्जैनी के सांदीपनी आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए आए थे उज्जैनी स्थित सुप्रसिद्ध पुरातन शिक्षा केंद्र में चारों वेदों वेदांगों उपनिषदों आदि का सांगोपांग अध्यापन होता था मंत्र देवताओं के ज्ञान धर्मशास्त्र न्यायशास्त्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, शास्त्र हस्तशिल्प अश्व शिक्षा समस्त कलाओं लेखा गणित गांधर्व वेद वैद्यक शास्त्र अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर मिलती थी शास्त्रों के प्रयोग की विधिवत क्रियात्मक एवं प्रायोगिक जानकारी दी जाती थी राजनीति के अध्येता संघी विग्रह यान आसन द्वेद और आश्रय आदि छह भेदों का ज्ञान यहां प्राप्त करते थे महाभारत में उज्जैनी अपने पूर्ण गौरव के साथ उपस्थित है विंद और अरविंद नाम के राजा महाभारत काल में अवंती पर राज करते थे जिन्होंने उस महासमर में कौरवों की तरफ से युद्ध किया उनकी एक बहन मित्रविंदा थी जिनका विवाह भगवान कृष्ण से संपन्न हुआ था उज्जैनी वीर पराक्रमियों की धाती रही है सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य की चक्रवर्ती कीर्ति विश्व विख्यात है भारतीय पुरातन साहित्य में अनेक स्थानों पर उनकी महिमा और वैभव के वर्णन मिले हैं प्रजावत्सल विक्रमादित्य ने उज्जैनी से ही विक्रम संवत का शुभारंभ किया संस्कृति कला व ज्ञान संरक्षक सम्राट विक्रमादित्य की राज्यसभा नवरत्नों से सुशोभित थी इनमें कवि कुलगुरु कालिदास प्रकांड ज्योतिषी व आयुर्वेद के सर्वोपरि आचार्य धनवंतरी वैयाकरण वरुरुचि अमरकोश के रचयिता और बौद्ध धर्म के आचार्य अमर सिंह नीति सागर के रचयिता घटकर पर ज्योतिष के विद्वान क्षपणख तंत्र साधन और बैताल कथाओं के नाम से जनश्रुतियों में लोकप्रिय बैताल भट्ट और शबर स्वामी के पुत्र शंकु का उल्लेख मिलता है ज्योतिर्विदाभरण में उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य सम्राट की विजय यात्रा उनके द्वारा रोम के राजा को पराजित करना तथा उसके आश्रित नवरत्नों सहित अनेक विद्वानों का उल्लेख है प्राचीन नगरी उज्जैनी वर्तमान उज्जैन से उत्तर में थी जो आज गढ़कालिका नामक क्षेत्र से विख्यात है उज्जैन के गढ़ क्षेत्र से हुई खुदाई में आदतिहासिक एवं प्रारंभिक लोहयुगीन सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है प्रत्येक कल्प में उज्जैनी विभिन्न नामों से विद्यमान रही है प्राचीन भारतीय साहित्य में उज्जैनी का अलग अलग नाम से उल्लेख मिलता है ब्रह्म पुराण तथा स्कंद पुराण ने उज्जैनी का अत्यंत विस्तृत और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया है यह महानगरी सुंदर देवालयों से सुशोभित है तथा दृढ़ प्रकार और तोरणों से युक्त है सुंदर मार्ग तथा विधियां हैं व चौराहे हैं यह अत्यंत समृद्ध है तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता ता विद्वानों से समलिंकृत है उज्जैनी की अनेक प्रकारों वाली संभ्रमकारी नामावली है अवंतिका पद्मावती, भोगवती हिरण्यवती कनकशृंगा कुशस्थली कुमुद्वती तथा प्रतिकल्पा है इसी में सेंट्रल इंडिया गेजेटियर में ल्यूवर्ड द्वारा लिखित नवतेरी नगर तथा शिवपुरी नाम और जुड़ जाते हैं उज्जैनी के नौ कोस चौड़ाई तथा 13 कोस लंबाई के विस्तार से नवतेरी नगर नाम की उत्पत्ति मानी गई है उज्जैनी जातक साहित्य के अनुसार अवंती का राजा चंड प्रद्योत उज्जैनी में निवास करता था इस बात की पुष्टि अन्य ग्रंथों व संस्कृत साहित्य से होती है स्कंद पुराण के 28वें अध्याय में उल्लेख है कि इस नगर के अधिष्ठाता देव महादेव ने त्रिपुरी के शक्तिशाली राक्षस अंधकासुर को पराजित कर विजय प्राप्त की थी अतः स्मृति स्वरूप उज्जैनी नाम रखा गया अवंतिका उज्जैनी अवंती जनपद की महत्वपूर्ण नगरी थी जो कालांतर में राजधानी बन गई इसी कारण अवंतिका अवंतीपुरी के नाम से विख्यात हो गई मृच्छकटिकम, दशकुमार चरितम आदि में अवंतिका अवंतीपुरी का उल्लेख है स्कंद पुराण में उल्लेख है कि अवंतिका इसलिए कहा गया कि यह नगरी प्रतिकल्प की समाप्ति पर देवताओं के पवित्र स्थल औषधि व प्राणियों की रक्षा करती है कनक श्रिंगा नारदीय व स्कंद पुराण में यह कनक श्रृंगा के नाम से प्रसिद्ध है इस नाम के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी के समीप कनक गिरी है बाणभट्ट ने कादंबरी में उज्जैनी वर्णन के समय संभवतः इसी कारण इसे कनक श्रृंगा कहा है कुशस्थली कुशस्थली उज्जैन का अन्य नाम है इस नाम का उल्लेख नारदीय व स्कंद पुराण में मिलता है स्कंद पुराण में उल्लेख है कि यहां ब्रह्मा ने तर्पण किया था कहते हैं ब्रह्मा ने घास के तरण यहां फेंके थे अतः इसका नाम कुशस्थली या श्रृंगा हुआ पद्मावती जैन कवि सोमदेव ने अपने काव्यों यशस्तिलक चंपू में उज्जैनी के अधिपति का वर्णन पद्मावती नगरी के राजा के रूप में किया है पद्मावती नाम धन संपदा को दर्शाता है स्कंद पुराण में लक्ष्मी के निवास के कारण पद्मावती कहा है कालिदास ने भी यहाँ मणिक्यों की प्रशंसा की है उज्जैनी पद्मराग मणियों के कारण प्रसिद्ध थी यहाँ के उन्नत व्यापार का वर्णन किया गया है कुमुद्वती पुष्प करंडक नदी सरोवरों उद्यानों से परिपूर्ण उज्जैनी में हमेशा कुमुदनी व कमल खिलते थे अतः स्कंद पुराण में कुमुदवती कहा है कुमुदिनी के उल्लेख के रूप में बाणभट्ट ने कादंबरी में सुंदर उद्यानों जलाशयों का उल्लेख किया है जिनमें कमल खिले रहते थे अमरावती अमरावती नाम देवतावास तथा सुंदर रमणियों के कारण हुआ पद्म प्राप्तक पाद ताड़ी तक साहित्य में इस नगर का अन्य देशों के साथ संबंध होने से इसे सार्वभौम नगर कहा जाता है इसी कारण दसवीं शताब्दी के लेखक पद्मगुप्त परिमल ने उज्जैनी को अमरावती कहा है प्रतिकल्पा यह नगरी अपने पुरातन इतिहास के साथ जीवित होने के कारण स्कंद पुराण में प्रतिकल्पा के नाम से भी जानी गई है सोमदेव तथा कथा सरित्य सागर में इन चार युगों में क्रमशः पद्मावती भोगवती हिरण्यवती व उज्जैनी नाम बताए हैं द्विज इसका शाब्दिक अर्थ है दो जन्मों वाला मनुष्य परंतु व्यवहार में इसका प्रयोग भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल के वर्णों के लिए होता था इन्हीं वर्णों में उपनयन संस्कार होता था धर्मशास्त्र के अनुसार उपनयन संस्कार वाले व्यक्ति के दो जन्म होते हैं पहला शारीरिक दूसरा ज्ञानमय शारीरिक जन्म माता पिता से होता है ज्ञानमय जन्म देने वाला गुरु अथवा आचार्य होता है स्मृति का वचन है कि जन्म से मनुष्य शूद्र होता है फिर संस्कार करने से द्विज कहलाता है वह वेद पढ़ने से विप्र और ब्रह्म का ज्ञानी होने से ब्राह्मण होता है विक्रम संवाद विक्रमादित्य उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार